है गाइस, वेलकम टू एक्सरेम एंड डिफाइनिंग एजुकेशन। तो आज और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ओडीए का। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज शो दैट द फैमिली ऑफ पैराबोलर्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4cx प्लस 4c स्क्वायर इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। ओके, तो सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब बेसिकली कि द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व जो यहाँ पर दिया हुआ है इज दैट सिस्टम ऑफ कर्व, मतलब इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज दिस इक्वेशन ओनली। ओके, सो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए पहले तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो अगर सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, सो अगर यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2y, ये आएगा y1 मतलब dy/dx इक्वल्स टू 4c। ओके, क्लियर। नाउ ये जो c का वैल्यू है वो आएगा आपका बेसिकली y1 डिवाइडेड बाई टू। क्लियर। अब देखिए ये जो c का वैल्यू है वो हम लोग इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 y1 बाई टू इंटू एक्स प्लस 4 y1 by 2 whole square। okay, so the final answer will be y square equals to 2x y1 plus y1 whole square। okay, this is the final equation। अब क्या होगा, अब अगर orthogonal trajectory find करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो y1 है इसकी जगह हमको put करना पड़ेगा -1/y1। ओके, तो ये पुट कर देते हैं। तो अगर इसमें -y/y1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy इंटू 1/y1 -1/y1, ये 1 है थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, हाँ, प्लस y इंटू -1/y1 होल स्क्वायर। ओके, सो द इक्वेशन विल बी the equation will be y square equals to -2xy/y1 plus y/y1 whole square। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पर y1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो द फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर y1 square इक्वल्स टू 2xy/y1 प्लस y स्क्वायर। अगर इसको शफल कर लेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy/y1 प्लस y1 square। ये क्या है, ये पहले वो जो इक्वेशन देखिए, ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन बोथ आर सेम। ओके, सो इससे प्रूव हो जाता है कि ये एक सेल्फ ऑर्थोगोनल है, सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए एक्सरेमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर दे देंगे। So, goodbye.